हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। नाश्ते में, सुबह सुबह के नाश्ते में गोभी के पराठे बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट, और बच्चों को भी बहुत ही पसंद है। आप लंच बॉक्स में भी बच्चों के लगा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज का गोभी का फूल लिया है और ये मैं काट करके इस तरीके से निकाल देती हूँ और इसमें देख लेती हूँ कीड़े, क्योंकि अभी फिलहाल गर्मी अभी तो मतलब आती है गोभी, तो शुरुआत में कीड़े थोड़ा बहुत आते हैं। तो मैं देख लेती हूँ कि कीड़े तो नहीं हैं। तो ये मैं अच्छे से इनको एक एक करके तोड़ लेती हूँ, और तोड़ करके इस ये गर्म है पानी, थोड़ा हल्का सा मैंने गुनगुनाया है पानी, तो मैं गुनगुने पानी में डालूँगी जिसमें कि जो इसके अंदर के भी हो तो बिल्कुल एकदम बढ़िया सा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इनको धुल लेती हूँ, और धुल करके सभी मैं इसी तरीके से बढ़िया से अच्छे से धुल लेंगी, क्योंकि बढ़िया से अंदर तक पानी गर्म चला जाएगा तो बढ़िया से धुल जाएंगे। तो ये मैं धुल करके सब निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ली हुई है, और यहाँ पर मैं प्लेट में सभी निकाल लेती हूँ गोभी, और निकाल के रख लेती हूँ। और अब मैं ले लेती हूँ कद्दूकस। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है, और यहाँ पर मैं एक एक करके फूल लेती जाऊँगी और यहाँ पर कद्दूकस करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सभी गोभी कद्दूकस कर लूँगी, जिसमें कि बिल्कुल बारीक वाला मैंने यूज किया है, जिसमें कि महीन सा एकदम इसका पेस्ट बने। तो यहाँ पर मैंने सभी गोभी कद्दूकस कर ली है, और कर करके अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और नमक डाल करके मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जिसमें कि ये अच्छे से इसका पानी निकल जाए। तो यहाँ पर 10 दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये मैं पानी निचोड़ लेती हूँ, जिसमें कि हमारे पराठे एकदम बहुत ही अच्छे बने, फटे ना। और यहाँ पर मैं इस तरीके से आप चाहें तो कपड़े से भी निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं पानी कितना निकला हुआ है। और यहाँ पर मैंने पूरी गोभी बढ़िया से निचोड़ ली है, और निचोड़ करके अब एक बाउल में रख ली है, और रख करके मैं सभी फोड़ देती हूँ जो लड्डू टाइप में बने हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी फोड़ लिए हैं, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च काटी हुई है, जो मैंने फाड़ करके 3-4 हरी मिर्च काटी हैं, और हरी धनिया ये भी मैं डाल देती हूँ, और यहाँ पर डाल करके इसमें मिक्स करूँगी। तो कुछ मसाले भी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आधी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को मैं कस करके डालूँगी हाथ से मसल के, जिसमें कि टेस्ट अच्छा आए। तो यहीं पर मैं ले लेती हूँ चुटकी भर हींग, हींग भी डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च जो मैंने कुटी हुई है, ये भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर कर लिया है चाट मसाला, और यहाँ पर थोड़ा सा आधी चम्मच से थोड़ा लिया है मैंने गरम मसाला, और स्वाद अनुसार नमक डाला हुआ है। और डाल के सभी चीज़ें अच्छे से कर देते हैं मिक्स। यहाँ पर मैंने धनिया भी थोड़ी सी डाली हुई है, और अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनेंगे हमारे आज पराठे। तो दोस्तों एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पर मैं सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ साइड में। और यहाँ पर आटा मैंने पहले से लगा कर रख दिया था, तो आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सूखा आटा लगा लिया, और यहाँ पर मैं लोई काट लेती हूँ। ये मैंने 4-5 लोई 6 काटी हुई हैं, ये मैं रख देती हूँ साइड में। और इस तरीके से सूखा आटा लगा करके कुचिया लेती हूँ, इसको एकदम कटोरी टाइप में बना देती हूँ। और इसी में मैं 2 चम्मच भर लेती हूँ मसाला जो मैंने बनाया है गोभी का, और इस तरीके से दबाते हुए पराठा को बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से दबा दिया, और जो ऊपर का हिस्सा है वो निकाल दिया। और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ सूखा आटा, और आटा लगा करके और इस तरीके से मैं दबा दबा करके इसको थोड़ा फैला देते हैं। और यहाँ पर हाथ से थोड़ा कुचिया भी लेते हैं, और अब ये मैं हल्के हाथ से इसको बेलूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना मैंने पतला ही बेला हुआ है, और एकदम बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये लीजिए, हमारा पराठा बन के रेडी हो गया। तो इधर मैं
तवा रख दी हूँ गरम होने के लिए। तो यहाँ पर तवा अच्छे से गरम हो चुका है और यहीं पर मैं डाल देती हूँ पराठा। तब तक मैं दूसरा भी बना कर रेडी करती हूँ। और वहाँ पर मैंने गैस धीमी कर दी है जिसमें धीमी आँच में पके। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी इसी तरीके से बना लेती हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरीके से बनाया हुआ है और इस तरीके से कुछ या करके इसको भी हल्के हाथ से बेलूंगी जिसमें कि हमारे पराठे फटे ना। और ये देखिए मैंने ये भी बेल लिया और इधर हमारा एक साइड सिक चुका है, दूसरी साइड सिकने देते हैं और इसको मैं दबा दबा के बढ़िया सिकने देती हूँ। तो दूसरी साइड भी हमारा सिक चुका है और अब मैं लगा देती हूँ इसमें तेल। अगर आपके पास घी हो घी लगा सकते हैं, रिफाइन हो रिफाइन लगा सकते हैं या बटर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड लगा दिया, दूसरी साइड भी लगा देती हूँ। और ये देखिए हमारा पराठा बन करके रेडी हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सभी पराठा इसी तरीके से बनाऊंगी और इसको दबा दबा के सेकूंगी जिसमें कि करारे करारे हमारे बने। तो ये देखिए दोस्तों बन के रेडी हो गया और ये मैंने दूसरा भी डाला और इसी तरीके से मैं सब बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पराठे बन चुके हैं और ये मैंने सिलबट्टे में हरी धनिया और टमाटर की बढ़िया चटनी पीसी हुई है। तो दोस्तों हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए कितने पतले हमारे पराठे बने हुए, देख सकते हैं बहुत ही मुलायम हैं। तो दोस्तों हर दिन मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।